जैसे मैंने तीन चीज़ें सोची कि मतलब कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है। पहले तो एक तो ज़रूरतें हुई, एक लक्ष्य क्या है। ज़रूरत में लगा कि एक तो मेरे मदर फादर हैं, अब वो 65 साल के आसपास हो गए। एज ए सन मुझे लगता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनकी सेवा करूं, क्योंकि अब वो अपने बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, 65 साल के 66 साल के हो जाएंगे। तो सबसे मेन काम तो है कि एक तो ये है कि अपने माँ बाप की सेवा कर सकूं, तो पहला लक्ष्य है। दूसरा मुझे लगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, मतलब इस आंदोलन में आके किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, कुछ पार्टी ने कर दिया, कई बार किसी ने कर दिया, तो ऐसे तो चलता चला गया। लेकिन ये इससे तो ज़िंदगी, एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी तो जीने के लिए यू नीड, कुछ तो पैसे आपको कमाना पड़ेगा, तो कुछ उसका सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई बिज़नेस बनाना करना, कोई आपको ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी जिसके तहत आप कुछ पैसे कमा सको। तीसरा मुझे लगा कि मैं, जो मैंने कहा कि मैं उतना पढ़ा नहीं, मैंने उतनी चीज़ें, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे चाइना की हिस्ट्री नहीं पता, मुझे रशिया की हिस्ट्री नहीं पता, तो मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वो ये तीन चीज़ें हैं, मुझे लगा ये तीन चीज़ें मेरी ज़रूरतें हैं जो मुझे करना है। अब इसके बाद मैं अगर आम आदमी पार्टी में हूँ, मैं अरविंद जी की साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैं एक देश बदलने का एक मौका मिल सकता है, जो शायद बाहर रह के नहीं कर सकता था, जो शायद किसी दूसरे देश में अपनी ज़िंदगी तो काट लेते कुछ काम वाम धाम करके, लेकिन शायद वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं वापस आऊँगा।